सो क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग का? बढ़िया। सो रामायण मूवी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली तुम सबको पता ही है कि रामायण करके एक मूवी बनने वाली है, जिस मूवी का डायरेक्टर होने वाले हैं नितेश तिवारी। और यह फिल्म में रणवीर कपूर देखने को मिलने वाले हैं, साई पल्लवी देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ साथ खबर ये बहुत ही तगड़ा सोर्स से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि यह फिल्म में एज ए रावण हम सबको रॉकिंग स्टार यश भी देखने को मिलने वाला है। बट रॉकिंग स्टार यश ने, मीन्स यश सर ने, बहुत बारी इनडायरेक्टली कंफर्म करा है कि वो ये फिल्म को करते नहीं नजर आने वाले हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे जो सोर्स है, जो सोर्स पर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, वो लोगों का कहना है कि नहीं, रॉकिंग स्टार यश रामायण कर रहे हैं। तो ये फिल्म को लेकर अपडेट बहुत बड़ी ये निकल के आ रही है कि एक्चुअली में ये फिल्म का अनाउंसमेंट कब होने वाला है, क्योंकि अभी ना लगभग ये फिल्म के जितने भी स्टार कास्ट है ना, सब फाइनल हो चुके हैं। सब मतलब सारे स्टार कास्ट फाइनल हो चुकी है। राम जी का कैरेक्टर रणवीर कपूर प्ले कर रहे हैं, सीता मैया का कैरेक्टर साई पल्लवी प्ले कर रही है, रावण का कैरेक्टर रॉकिंग स्टार यश प्ले कर रहे हैं, हनुमान जी का कैरेक्टर सनी देओल प्ले कर रहे हैं, विभीषण का कैरेक्टर विजय सेतुपति प्ले कर रहे हैं, और भी जितने भी ये फिल्म में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो सारे लगभग फाइनल हो चुके हैं। के साथ साथ में ये फिल्म प्रॉपर ना ऑन टेबल आ चुकी है। जैसे वो लोगों को शूट करना है, कितने इसमें VFX आर्टिस्ट होंगे, कितने फलना ठेकना, जो भी टीम क्रू वरू जो भी सारी चीज़ें होती है ना, सब फाइनल हो चुकी है। और ये फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है। तो एक्चुअली में कब ये फिल्म फ्लोर पर जाएगा ये बातें करेंगे। और इसके साथ साथ ये फिल्म का पहला अनाउंसमेंट कब आने वाला है इसको लेके भी बातें करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ ये है ना भाई, ये फिल्म कितने पार्ट में बनने वाला है, जब भी तुम लोगों को पता चलेगा तुम लोग ही बोलोगे ओ भाई साहब, खतरनाक लेवल में भाई ये फिल्म जाने वाली है। और मैं तुम लोगों को बता दूं ना, ये फिल्म का जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, वो सच मतलब ब्रिलियंट डायरेक्टर है। उनकी ना अगर तुम पिछले जगह फिल्मों को देखोगे ना, तो वो काफ़ी डिटेल्स में फिल्म वर्क करते हैं। काफ़ी डिटेल्स मतलब ऐसा देख के लगता है कि हाँ, ये फिल्म मेकर्स ने ये जो टॉपिक है इस पर होमवर्क करा है। और नितेश तिवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट है रामायण। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ना 10 से 12 साल से ना ये रामायण पर सिर्फ काम कर रहे थे। अब तुम लोग ऐसा मत विजुलाइज करने लगना कि हाँ, ओम रावत ने जिस तरीके से रामायण बनाया उसी टाइप से ये भी फिल्म होने वाली है। नहीं 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 नहीं, ये जो नितेश तिवारी का रामायण है ना, इस पर बहुत दिनों से ये लोग वर्क कर रहे हैं। और पिछले मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक या डेढ़ साल से ना ये लोग प्रॉपर मतलब 20 से 25 लोगों का जो टीम है वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। बहुत वो लोग राम सेतु को भी देखने गए हैं, फिर ये लोग श्रीलंका भी गए हैं, और रामायण से जुड़ी जितनी भी ये लोग के पास चीज़ें निकल सकती थी, जो सामने लोगों को वो लोग दिखा सकते थे, वो सारी चीज़ों को इन लोगों ने इकट्ठा करा है, सारी चीज़ों पर इन लोगों ने काम करा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, अच्छे लेवल के डायरेक्टर है, और वो काफ़ी ज़्यादा ना फिल्म के डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। सो बात करते हैं एक्चुअली में ये फिल्म का अनाउंसमेंट कब होने वाला है। ये रामायण का अनाउंसमेंट होने वाला है रामनवमी के दिन, 17 अप्रैल के दिन ये फिल्म को लेके ऐसा बताई जा रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें तुम सबको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उस दिन भाई 17 अप्रैल के दिन रामनवमी है और हमारे भगवान राम जी का जन्म हुआ था। तो उससे बेटर मुझे नहीं लगता है कि कोई एक डेट होगा जिस पे ना ये फिल्म का अनाउंसमेंट मेकर्स करे। इसके साथ साथ अब थोड़ा रॉकिंग स्टार यश के सारी चीज़ों के लेके हमने बात कर ली कि एक्चुअली में बाबा ये फिल्म कर रहे या नहीं कर रहा। देखो भाई, मैं भी अभी प्रॉपर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि रॉकिंग स्टार यस ये फिल्म हम सबको दिखाई देते हुए नजर आने वाले हैं एज ए रावण। बट हाँ, बहुत ऐसे जो सोर्स है वो लोगों का कहना है कि हाँ, रॉकिंग स्टार यस ये फिल्म को कर रहे हैं। बाकी तो आने वाला टाइम में ही पता चल जाएगा एक्चुअली में रॉकी बाबा फिल्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बट हाँ, ऐसा खबर निकल के आ रही है कि रॉकिंग स्टार यस का पहले जो पार्ट होने वाला है रामायण पार्ट वाला, इसमें ना बहुत कम रोल है, क्योंकि भाई रावण बना हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा लेट आएगा। स्टार्टिंग कहानी राम जी और सीता मैया से स्टार्ट होगी। बट हाँ, पार्ट टू से इनका ना प्रॉपर फुल फ्लेज में रोल होगा। पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में तो भाई वॉर वाले सीक्वेंस को दिखाए जाएंगे। बेसिकली ये रामायण को ना 3 पार्ट में बनाया जा रहा है। पहला पार्ट तुम्हें 2025 में देखने को मिलेगा, देन दूसरा पार्ट तुम लोग को 2028 में देखने को मिलेगा, देन तीसरा पार्ट 2031 में देखने को मिलेगा। हर पार्ट में ना 3 साल के गैप मेकर्स रख के चल रहे हैं। बाकी तुम लोग बता, तुम लोग इस पर क्या कहना है, कौन कौन इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है, और तुम्हारे में से क्या लगता है कि टॉकिंग स्टार यस को एज ए रावण ये फिल्म करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए? ओपिनियन कॉमेंट करके तुम जरूर बताना। हाँ, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बचाते रहो।